हमारे मध्य सोर्स पर्सन भागीरथी में और साथ में सत्य जी मैं और विभिन्न स्कूलों से आए हमारे शिक्षक साथी, मैं आप सभी का इस 5 दिवसीय जो 6 दिवसीय कार्यशाला है इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि 6 दिवसीय एक इंडक्शन प्रोग्राम उन टीचर्स के लिए है जो अभी न्यूली अपॉइंट हुए हैं शिक्षा विभाग में, जो उनकी नई नई रिक्रूटमेंट हुई है उनके लिए एक तरह का ये इंडक्शन प्रोग्राम है जिसमें कि आप विभिन्न चीज़ें सीखेंगे। हमारे यहाँ जो आरपी रहेंगे अलग अलग क्षेत्र से, वो आपको जो आपको रोज़मर्रा में जो जो दिक्कतें आती हैं और जो जो हमारे कंडक्ट रूल और जो सर्विस से संबंधित नियमों दिए हैं उससे आपको जागरूक कराएंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, तो मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर शिव कुमार जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हैं कि वो आए और अपनी बात रखें और हमें हमारा मार्गदर्शन करें कि इसको किस तरह से किया जाए। इसके लिए हमारे मध्य उपस्थित इस संस्थान के सीनियर लेक्चरर गीतांजलि जी और उमेश भारद्वाज जी, टीचर ट्रेनिंग चार रविंदर जी, दो कार्यक्रम चल रहे हैं, एक के कोऑर्डिनेटर पुनिका मैडम और नासी मैडम जी। आज के रिसोर्स पर्सन भागीरथी मैम और सत्येन जी, आपका कार्यक्रम में सबका स्वागत है। ये कार्यक्रम इस तरह का स्टेट में फर्स्ट टाइम हो रहा है। जी ने प्रश्न किया कि इंडक्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है, देखने में यही आया है कि जब अध्यापक स्कूल में जाते हैं कुछ तरह की शंका रहती है कि किस तरह से जाएंगे, एक झिझक रहती है कि हमें सीनियर की तरह बहुत ये है प्रिंसिपल में या हेडमास्टर हेड टीचर कैसे उनसे व्यवहार करना है, क्या रूल्स हैं, आपके क्या हक हैं और आपके क्या कर्तव्य हैं, इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन रहता है। तो जो हमारे नए सेक्रेटरी या नई सरकार आई है उन्होंने यही सोचा कि जो विभाग का अधिकतर समय जो भी विभाग की जो एनर्जी बच्चों की शिक्षा को लेवल को ऊपर उठाने में लगनी चाहिए, वो हमारे टीचरों के जो क्लैश हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनमें निपटाने में लग जाती है। तो क्यों ना इस समस्या को शुरू में ही ख़त्म कर दिया जाए और जो नए रिक्रूटेड टीचर हैं उनको स्कूल में विद्यालय में जाने से पहले उनकी थोड़ी सी ब्रीफिंग करें कि आपके क्या कर्तव्य है और क्या अधिकार है। इस कड़ी को इसी तरह ट्रेनिंग को हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहते हैं कि हम आपको जो विभाग में ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। तो इसमें पहले तो हम बात करेंगे कर्तव्य को सेंटरी या ऑफिस की भाषा में हम कहते हैं कंडक्ट रूल, किस तरह से आपका कंडक्ट स्कूल में रहेगा, इंस्टीट्यूट में रहेगा, आप जाएंगे तो आप अपने हेड के प्रति आपका क्या कर्तव्य है और अगर कर्तव्य नहीं करते हैं आपके ऊपर कौन सी धाराएं लगने वाली, क्योंकि कोई ना कोई नियम किसी ना किसी संस्था में उसको चलाने के लिए रहता है, जो सिविल सर्विस रूल हम कहते हैं। और हेड के प्रति आपका क्या रहेगा, अपने सुबॉर्डिनेट के प्रति आपका व्यवहार क्या रहेगा, बच्चों के प्रति आपका क्या व्यवहार रहेगा, किस तरह के कॉर्पोरेट पनिशमेंट है या किस तरह से आप डील करेंगे, और इसमें कई तरह के रूल और पॉक्सो एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट है, आपका अपना भी अधिकार है। और दूसरे आपको जब जाएंगे आप कितनी छुट्टियां लेंगे, लीव रूल्स, और उसके बाद ये आपके आगे हक में आपका अधिकार है कि आप इतनी छुट्टियाँ ले सकते हैं। इसके अलावा आपको मानसिक शांति भी चाहिए और उसके लिए भी हमारे पास जैसे सत्येन जी आए हैं कुछ यहाँ पर हम माइक्रो आपको एक्सरसाइज
या प्लेयर्स यहाँ पे करवाएंगे, एक अधिकार कर्तव्य इनको समझने के साथ साथ आपको मानसिक शांति हो और यही संकल्प आप जाके अपने स्कूलों में बच्चों को करवाएं, क्योंकि डिफरेंट तरह के आजकल बच्चों ने स्ट्रेस लिया हुआ है, तो स्ट्रेस रिलीफ कैसे हो। हमारे मध्या मैम गीतांजलि मैम बैठे हैं साइकोलॉजी के हैं बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि बच्चों के मन से फियर एग्ज़ाम का नौकरी का ये दूर करना है, इस तरह की स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी। और जो मेन एम है, जैसे सरकार कहती भी रही है कि हम शिक्षा ऐसी दें जिसमें हमारा देश का नेतृत्व, राष्ट्रीय सोच हो, ऐसा नहीं हो कि एक मशीन की तरह उसको बच्चों को एक मशीन बना दें रटने के लिए। दूसरा है कि अब जो पढ़ाई हमारे टाइम में पुराने टाइम में होती थी वो होती थी कंटेंट बेस्ड। कंटेंट का मतलब कि जो कुछ किताब में है वही आपने पढ़ाना है, अब कंटेंट नहीं है, अब है कंपिटेंसी बेस्ड। कंपिटेंसी का मतलब कि एक कंसेप्ट है, जैसे डिवीजन है मैथ में डिवीजन, उस डिवीजन को आप पहले तो ये पता कि क्वेश्चन रटा दो, पूरी 10 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में से उसी में कोई ना कोई एक आएगा। अब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आपने तो हमने तो सिर्फ उस कंसेप्ट को लर्निंग आउट कम उसके बेस पर हमने तैयारी करानी है। और कंपटीशन का जमाना है और नीति आयोग भारत सरकार का जिसके नीतियों के अनुसार स्टेट की जो रिजल्ट रहता है उसी के ऊपर हमारे को जो फाइनेंशियल एड गवर्नमेंट से मिलती है। लेकिन फिर भी कुछ शंकाएँ होंगी, जैसे कंडक्ट रूल, सिविल रूल, लीव रूल और फाइनेंशियल रूल जो है, तो आप ये झिझक हमारे जो रिसोर्स पर्सन है बहुत ही एबल हैं और बहुत मजे हुए हैं, आप जरूर उनसे इंटरेक्शन करें और अपने कंसेप्ट जो आपका जो कन्फ्यूज़न है उनको दूर करें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको इस ट्रेनिंग के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जैसा कि सर ने कहा कि मेन फोकस इज द क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन तब आएगी जब आप यहाँ से सीख के अच्छे से जाएंगे और निष्ठा के साथ अपने विद्यालय में काम करेंगे, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे, ओनली देन द क्वालिटी एजुकेशन विल कम। अगर ये कि यहाँ से ट्रेनिंग करके गए और वहाँ कुछ नहीं कराया, आपको सीखना है, ये जो नॉलेज यहाँ दिया जाएगा 6 दिन में वो दैट इज़ नॉट इनफ, वो पर्याप्त नहीं है, आपको और ज़्यादा सीखना पड़ेगा, और ज़्यादा सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू डिलीवर योर कंटेंट इनसाइड द क्लासरूम। जब अच्छे से आप कंटेंट देंगे विद्यार्थियों को, विद्यार्थी अच्छे रिजल्ट लाएंगे और वो आपका नाम रोशन करेंगे, विद्यालय का नाम रोशन करेंगे और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे, तो आप मुझे उम्मीद है कि आप जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ चलेगा, हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं वो हमने अच्छे से मैनेज कर रखे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो इस अनुरोध के साथ कि आप यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे, 6 दिवसीय जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है यहाँ से जो सीखेंगे उसको अपने जीवन में उतारेंगे ताकि आपको अच्छे से ये जो ट्रेनिंग का फायदा होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी ट्रेनिंग यहाँ से ग्रहण करेंगे और विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देंगे और अपनी ग्रोथ के लिए भी जो आपको कंडक्ट रूल और बाकी जो सर्विस से संबंधित रूल है उसको भी आप सीखेंगे और आपको ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। फाइनेंस रूल वगैरह जो यहाँ आते हैं हमारे रिसोर्स पर्सन, वो फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन है वो किस तरह से करनी है, तो वो भी उससे भी आपको अवगत कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच।